अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। अभी जो मैं वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ आपको PUC सर्टिफिकेट के लिए। आपकी गाड़ी चाहे वो बाइक हो या फिर फोर व्हीलर हो, तो उसको ऑनलाइन हम कैसे देखेंगे कि ये जो PUC सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, या फिर आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफिकेट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो आप किसी को भी दिखा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, परिवहन वेबसाइट है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे गूगल में आप परिवहन लिखोगे और यहाँ पे जो पहला साइट है ये लिंक जो दिख रहा है आपको URL, उस पर क्लिक करना होगा। ये इंटरफेस है हमारी परिवहन सेवा का। यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विस पे जाओगे, वहाँ पे आपको PUCC का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे PUCC वेबसाइट पे। इसमें ये पॉपअप मैसेज आएगा, इसको हटा के क्रॉस करके यहाँ पे PUC सर्टिफिकेट आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको एंटर करनी होती हैं जो आपको आपके गाड़ी के बुकलेट में मिल जाएगी। 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और चेसिस नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर 10 डिजिट का होगा और चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट लगेंगे। और इसमें ये जो कैप्ची कोड है, सिक्योरिटी कोड है, वो आपको सेमली एंटर करना है और यहाँ पे PUC डिटेल्स पे एंटर कर देना है। आपके पास जो डिटेल्स आएंगी, अगर आपका PUC सर्टिफिकेट वैलिड है, अभी उसकी डेट ऑफ एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो ऑनलाइन शो करेगा कि आपने कौन से यूनिट से वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिया है। उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, अमाउंट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी गाड़ी में रखना ही रखना है, क्योंकि अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है और आपके पास इंश्योरेंस है, RC है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसीज। तो आपको ये एक इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री है, जो आप इनकी वेबसाइट जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, हाईवेज की है, ई वाहन की वेबसाइट है, वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो और किसी को भी शो कर सकते हो। ये पूरी तरह से वैलिड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।